बाबूपुरवा में नारायण भदौरिया व राकेश अवस्थी के खिलाफ दर्ज हुए मामले में आया नया मोड़, जहां पीड़ित राकेश अवस्थी ने आज उनके ऊपर लिखे मुकदमे को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से मिलकर जांच कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि कानपुर के बाबूपुरवा थाने में नारायण सिंह भदौरिया राकेश अवस्थी समेत करीब 10 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। वहीं कानपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में राकेश अवस्थी ने बताया कि वो हार्ट पेशेंट है, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, दिल्ली में एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बाबूपुरवा के अजीतगंज में उनकी पुश्तैनी जमीन है जो सन 1975 से KDA से होल्ड फ्री है, जिसको भू माफिया वीरेंद्र दुबे व श्री प्रकाश गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, नफीस कब्जा करना चाहते हैं। इसके साथ ही राकेश अवस्थी ने बताया कि उन्होंने 4 अक्टूबर 2020 को थाना बाबूपुरवा में राजेंद्र गुप्ता व श्री प्रकाश गुप्ता के खिलाफ थाना बाबूपुरवा में मुकदमा पंजीकृत कराया था और उनका मामला न्यायालय में विचाराधीन, जिसमें न्यायालय ने राकेश अवस्थी के पक्ष में स्टे भी दे रखा है। अब उनके खिलाफ वीरेंद्र दुबे व राजेंद्र गुप्ता ने षड्यंत्र के तहत फर्जी जाली दस्तावेज दिखाकर मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच के लिए आज वो ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। मेरा नाम राकेश कुमार अवस्थी, पुत्र प्रेमनारायण, स्वर्गीय प्रेमनारायण अवस्थी, अजीतगंज निवासी, 103/3/1 का हूँ। कल जब मुझे अचानक जानकारी मिली कि मेरे विरुद्ध थाना बाबूपुरवा में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, तो मैं 420 का, तो मैं काफ़ी हतोत्साहित और बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मैं हार्ट मरीज हूँ। तो आज मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया और वहाँ मैंने पूरे कागज़ दस्तावेज जो मैंने पूर्व में सब अभी जानकारी आपको दे रखी है वो सब दाखिल किया और अप्लीकेशन दी कि महोदया सारे कोर्ट के स्टे वगैरह मेरे हक में हैं, उसके बावजूद ये तो पेशबंदी में एक मुकदमा हमारे साथ खिलाफ कल कर दिया गया, इस उचित न्याय दिलाया जाए। जब ऑलरेडी कोर्ट में हमारा वाद लंबित है तो हमारे ऊपर ये मुकदमा क्यों लिखा गया, जबकि ऑलरेडी हमने एक मुकदमा हमारा लिखा हुआ है। क्योंकि मैं बीमार था, मैं दिल्ली में था, उसमें आगे मैं कोई उसको देख नहीं पाया और मेरे खिलाफ़ ये षड्यंत्र रच कर एक बिल्कुल निराधार मुकदमा मेरे ऊपर कायम कर दिया गया है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी शासन प्रशासन इसको उचित देखकर इसकी विवेचना कर जो उचित न्याय और निर्णय हो वो मुझे दिलाया जाए। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? ये एक तो हमारा विपक्ष गुप्ता परिवार है और उसके साथ वीरेंद्र दुबे, विजेंद्र नाथ मिश्रा और वो क्या नाम उसका नफीस, ये मेन तीन है और इनके साथ अन्य कई लोग भी हैं जो ये नेता हैं, गुंडे हैं, सब हैं, सभी मिले हुए उसी का सभी। मेरे खिलाफ वीरेंद्र, विजयनाथ मिश्रा घोटाले और परेशान करने की स्थिति में लगे हुए हैं, जबकि मेरी अपनी ये रजिस्ट्री शुदा जमीन 35 में विश्वेश्वर नाथ से उन्होंने क्रय की थी, जिसकी ये मूल रजिस्ट्री आज भी आपकी मेरे पास है। और इसके बाद सन 1965 जब उनका स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ रहने लगा तो उन्होंने हमारे हक में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, इसके पश्चात क्योंकि मैं बताऊँ किसी तरीके से दवा डॉक्टरों के संपर्क में रहकर आगे का भविष्य जीवन काट रहा हूँ, इसी परेशानी के अंतर्गत मुझे अपनी तो जब कई बार चेक लगाइए लगा